किसान साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बात करते हैं, आज सबसे ज़्यादा तेज़ी महाराष्ट्र की पुणे मंडी में देखने को मिली है प्याज को लेकर। क्योंकि किसान साथियों आज दिनांक 2 मार्च 2021 हो चुका है, तो 2 मार्च 2021 की जो तेज़ी है वो किसान साथियों महाराष्ट्र की पुणे मंडी में देखने को मिली है। आज अच्छा खासा जो माहौल है, सभी मंडियों से ज़्यादा तेज़ी किसान साथियों महाराष्ट्र की पुणे मंडी में आज देखने को मिली है। तो कितनी तेज़ी, कितनी नरमी, कैसा माहौल आज महाराष्ट्र की पुणे मंडी में देखने को मिली है, क्योंकि ये उस साइड की सबसे बड़ी मंडी मानी जाती है। पूरी मंडी है, यहाँ पर बड़े लेवल के जो व्यापारी हैं वो आते हैं किसान साथियों। तो चलिए अब मैं आपको इस मंडी से लेकर, पूरी मंडी से लेकर हर एक जानकारी, हर एक अपडेट मैं आपको इस वीडियो में अवगत कराऊंगा। चलिए किसान साथियों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे अनुरोध है हमारा, अगर आपने हमारे ही चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। तो चलिए किसान साथियों बात करते हैं, आज महाराष्ट्र की जो पूरी मंडी है वहाँ पर सबसे सुपर क्वालिटी का जो प्याज है किसान साथियों वो 2900 रुपए से लेकर 3000 रुपए प्रति एक क्विंटल के हिसाब से देखने को मिला है महाराष्ट्र की पुणे मंडी में। अगर मीडियम माल की बात करें तो किसान भाइयों 2700 रुपए से लेकर 2800 रुपए तक के भाव में जो मीडियम माल है वो देखने को मिला है। अगर गोल्टा प्याज की बात करें तो 2500 रुपए से लेकर 2650 रुपए तक के भाव में देखने को मिला है महाराष्ट्र की पूरे मंडी में। वहीं पर किसान साथियों अगर गुलटी माल की बात करें तो 1500 रुपये से लेकर किसान साथियों 2400 रुपये तक के भाव में देखने को मिला है। वहीं पर हल्के छोटे छठहन प्याज की बात करें तो किसान भाइयों 400 रुपये से लेकर 1200 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से देखने को मिला है। क्योंकि अगर ऑल ओवर मंडी की बात करें तो 3000 रुपये, जो 300 रुपये की तेजी है वो आज महाराष्ट्र की पूरे मंडी में किसान साथियों देखने को मिली है।